अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। यूपी के उन्नाव केस को लेकर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह हादसा एक सामान्य हादसा नहीं बल्कि इसमें एक बड़े साजिश है और साजिश का आरोप सीधा विधायक और उनके परिवार और उनके लोगों पर लगाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज कराई है उसको लेकर पुलिस भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में कुछ ऐसे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं जो इस पूरे हादसे से जुड़े हुए हैं। इस खबर में देखिए तीन बड़े सवाल। उन्नाव केस की पीड़िता के साथ 28 जुलाई की दोपहर हुए सड़क हादसे पर लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अब इन बड़े सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार की ओर से जो FIR दर्ज कराई है उसमें ऐसे ही गंभीर सवाल उठाए गए थे। पुलिस को अब इन सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल था कि आखिर ट्रक की नंबर प्लेट पर काली क्यों पोती गई। पुलिस ने इसका जवाब दिया है कि गाड़ी के मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी, उसने जिन लोगों से फाइनेंस कराया था उसको पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए नंबर छिपा रखे थे। इसके साथ ही ट्रक मालिक के इस दावे की जाँच की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल है कि पीड़िता के साथ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं मौजूद थे। घटना के वक्त पीड़िता के साथ सुरक्षा कर्मियों के न होने के मामले में प्रथम दृष्टया सुरक्षा कर्मियों की गलती सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि पीड़ित का परिवार उन्हें कार में कम जगह होने की वजह से साथ नहीं ले गया था। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक परिवार ने उनसे कहा था कि वे चार लोग कार में जा रहे हैं और उन्हें एक व्यक्ति को रायबरेली से साथ लेना है। तीसरा बड़ा सवाल, कैसे हुई कार और ट्रक की टक्कर। पुलिस के मुताबिक कार और ट्रक की टक्कर आमने सामने से हुई है। उन्होंने कहा कि यह घटना 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे के करीब हुई। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उस वक्त तेज बारिश हो रही थी और रोड पर डिवाइडर नहीं था। बताया कि ट्रक रायबरेली से फतेहपुर जा रहा था और कार उन्नाव से रायबरेली की तरफ जा रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इन सब बातों की जाँच चल रही है। आपको बता दें कि ये तीन बड़े सवाल इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले से कैसे पर्दा उठाती है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।